गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो स्कूल व्याख्या था, लेक्चर जो आगामी दिनों में होने वाला है उसके लिए, और अभी आपके जो बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल व्याख्याता हो, चाहे आपका बीएड सेकेंड ईयर वाला पाठ्यक्रम हो, उन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सर्व शिक्षा अभियान। तो क्या होता है सर्व शिक्षा अभियान, वो देखिए विद्यार्थियों। सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। सबसे पहले क्या की गई, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना के लिए समस्त राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, और बैठक बुलाने के बाद में उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई। 2001 में इसकी स्थापना हुई, और जो है सर्व शिक्षा अभियान में का नारा दिया गया, सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान का नारा दिया, सब पढ़े सब बढ़े। इसी के साथ सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत में की गई, और सर्व शिक्षा अभियान को स्थापित करने के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो, हर तरह के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो, एक से लेकर के आठवीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जिस कार्यक्रम की नींव रखी गई केंद्र सरकार के द्वारा, उसी का नाम है विद्यार्थियों सर्व शिक्षा अभियान। और आप जानते भी हैं हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। इसी को लागू करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में कई संवैधानिक उपबंध भी किए गए। तो संवैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा हमारे भारत में जिस अभियान की शुरुआत की गई उसी का नाम था विद्यार्थियों सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया कि 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया जाएगा, लेकिन 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सका, इसीलिए इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। 2018-19 तक जो है इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान ने अपना कार्य 18 साल तक पूरा किया, और आज जो सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर काम कर रहा है वो कर रहा है विद्यार्थियों समसा, समग्र शिक्षा अभियान, आज इसकी तर्ज पर कार्य कर रहा है। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कही गई थी। अब बात आती है सर्व शिक्षा अभियान है उनके लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किए गए थे। तो ध्यान रखना, पहला उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 2003 तक 100% क्या करना, नामांकन करवाना, हर बच्चे का नामांकन करवाने का प्रयास करना, ये इसका लक्ष्य था। 2007 तक कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी करेगा 2007 तक, और 2010 तक 1 से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा वो सब प्राप्त करेंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया।
2003 तक समस्त बच्चों का नामांकन होगा। 2007 तक कक्षा 5 तक के विद्यार्थी जो है उनको क्या दिया जाएगा, उनकी शिक्षा पूरी होगी, मतलब हर बच्चा 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त करेगा। और 2010 तक कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करेगा। ये सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूरी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा कहलाती है, और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है उसे प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है गुणवत्ता युक्त शिक्षा। हर बच्चे को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाना जिसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के तहत ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम, कल्प योजना, लहर योजना, इन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान के मैन उद्देश्यों में शामिल था। तो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना, 2003 तक 100% नामांकन करना, 2007 तक कक्षा 5 तक 100% ठहराव सुनिश्चित करना, 2010 तक हर बच्चा कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर सके इसके बारे में निर्णय लेना, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना, 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों में शामिल था। अब बात आती है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे। तो देखिए बच्चों, आपको पता है 2009 में एक एक्ट आया था, 2010 तक के तो मैंने बता ही दिए, 2009 में एक अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था विद्यार्थियों? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आरटीई अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। कौन से अधिनियम के नाम से जाना जाता है? आरटीई अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या था आरटीई अधिनियम में? आरटीई अधिनियम में कहा गया हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, और हमारे भारतीय संविधान के में 86वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और इसी 2002 के अधिनियम के तहत कौन सा अधिनियम आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो भी प्रावधान हैं उनको लागू करवाने का कार्य भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद आता है सार्वजनिक ठहराव। आप सब जानते हो विद्यार्थियों, कई बच्चे अपना नामांकन करवा देते हैं लेकिन बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं उनका सार्वजनिक ठहराव करना, विद्यालयों में उनका नामांकन के साथ साथ वो आगे की पढ़ाई भी पूरी करे, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद है ऐसी शिक्षा देना ताकि लैंगिक भिन्नता में कमी हो। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों कि आज भी हमारे समाज में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में भेद किया जाता है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा था, तो सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि लैंगिक असमानता को कम किया जा सके, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सके, सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सके, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में शामिल था। ठीक है विद्यार्थियों, समुचित वातावरण का निर्माण करना, विद्यालय में अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना, इसके अलावा प्रबंधन सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सारी चीजें सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया। अब बात आती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत किन किन कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, उन सब के बारे में देखते हैं।
पहला कार्यक्रम था समावेशी शिक्षा। मैंने बताया भी था विद्यार्थियों कि हमारे देश में कई प्रकार के विद्यार्थी, हमारे देश में ही क्या, पूरे विश्व में कई तरह के छात्र हैं, विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, कई दृष्टिकोणों से बालकों में विभिन्नता देखी जा सकती है। तो बालकों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामान्य बालकों के साथ एक साथ पढ़ाया जाना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, और समावेशी शिक्षा के लिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के मेडिकल कैंपों का आयोजन किया गया, उपकरण प्रदान किए गए, स्वर्ण यंत्र प्रदान किए गए, चश्मे उपलब्ध करवाए गए, व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई, स्कूलों में जो है जो आपके बाथरूम्स है उनमें स्टैंडिंग लगाया गया। तो ये सब सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक भी सामान्य बालक के साथ पढ़ सके। तो समावेशी शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल था, और समावेशी विद्यालय जो आपकी बुक का नाम है वो इसी समावेशी शिक्षा का आधार है। तो हमें सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आता है वैकल्पिक शिक्षा। क्या होती है वैकल्पिक शिक्षा? आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, हमारे देश में कई ऐसे छात्र हैं जो समाज की मुख्य धाराओं से दूर है, एक बार नामांकन होने के बाद में भी स्कूल छोड़ जाते हैं, या 8 या 10 साल के होने के बाद उनको लगता है कि हमें स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। तो ऐसे आयु वर्ग के छात्र जिनकी आयु अधिक हो चुकी है उनको उनकी आयु के अनुसार प्रवेश दिलवाना वैकल्पिक शिक्षा का मेन मोटिव होता है। वो अपनी आयु के समान उनको शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रिज कोर्सों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की विशेष कक्षाओं का आयोजन विद्यालय में किया जाता है ताकि उनको उनके स्तर के आधार पर विद्यालय में प्रवेश लिया जा सके। उनको इसके लिए विशेष प्रशिक्षण से तैयार किया जाता है, ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, परीक्षाएं ली जाती है ताकि वो उस लेवल तक का अध्ययन कर सके। तो किसी भी छात्र को उसके स्तर के आधार पर, उसकी आयु के आधार पर शिक्षा उपलब्ध करवाना ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाता है। तीसरा कार्यक्रम है बच्चों बाला। बाला का मतलब है बिल्डिंग लर्निंग एड्स। विद्यालय में ही छात्र को अधिगम संबंधी समस्त सामग्री उपलब्ध हो सके ताकि विद्यालय ही समस्त अधिगम सीखने का केंद्र बन सके, ये भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल था। और इसी के तहत बच्चों स्कूलों में ब्लैक बोर्ड्स, चौक, मानचित्र, इसके अलावा जितने भी अधिगम सामग्री की जरूरत होती है वो सब सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद आता है लहर। लहर का मतलब यहाँ पे क्या है? लहर का मतलब है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, खेल आधारित एक्टिविटी करा करके बच्चे को क्या करवाना, शिक्षा उपलब्ध करवाना। कक्षा 1 से 2 के तक के बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करना ताकि बच्चे स्कूलों की तरफ आकर्षित हो सके, उनमें स्कूल आने के लिए ललक पैदा हो सके, इसके लिए कक्षा 1 से 2 तक खेल आधारित गतिविधि आयोजित करवाई जानी चाहिए ताकि विद्यालयों में बालकों के प्रवेश को आकर्षित कर सके। तो इस तरह के कार्यक्रम चलाने का बीड़ा भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत उठाया गया। उसके बाद आता है विद्यार्थियों NPEGL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन गर्ल्स लर्निंग के लिए। मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वो ही था NPEGL 2003 में चलाया गया, जो भी किसके तहत था, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के तहत क्रियान्वित हुआ था। फिर था कस्तूरबा गांधी विद्यालय, 2004 में स्थापित किए गए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो कि एक आवासीय विद्यालय थे
उनको स्थापित किया गया ताकि समाज की मुख्य धारा से वंचित जो बालिकाएं हैं वो यहाँ पर अध्ययन कर सके। इसके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना भी सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल थी। उसके बाद आता है बच्चों शाला प्रबंधन सूचना तंत्र। शाला प्रबंधन सूचना तंत्र जिसकी स्थापना 2015 में की गई और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित समस्त जानकारियों के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया जहां पर विद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाओं का संकलन होगा, उसी को कहते हैं विद्यार्थियों शाला दर्शन, जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए था और इसी के तहत 9 से लेकर 12 तक जो पोर्टल तैयार किया गया उसको शाला दर्पण कहते हैं। और आज जो हमारे इन दोनों के एकीकृत स्वरूप को अपनाया है जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक होगा उसका नाम है एकीकृत शाला दर्पण, जो वर्तमान में कार्यरत है। बाकी 1 से 8 तक शाला दर्शन था, 9 से लेकर 12 तक शाला दर्पण था, इन दोनों को मिलाकर के आज जो चल रहा है वो है एकीकृत शाला दर्पण। ठीक है विद्यार्थियों, जहां पर विद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाओं का संकलन किया गया है। उसके बाद आता है शाला सिद्धि कार्यक्रम। शाला सिद्धि कार्यक्रम जहां उन सभी विद्यालयों को जोड़ा गया जहां पर नामांकन कम है, तो उनमें नामांकन को बढ़ाने के लिए 2016-17 में जो कार्यक्रम चलाया गया उसी का नाम है शाला सिद्धि कार्यक्रम। उसके बाद आता है टीपी टीचर प्रोग्राम ऑफ अप्रेजल, मतलब ये है कि जहां पर जो टीचर है टीचर अपने आप का मूल्यांकन करके उसको इस पोर्टल पर डालता है उसी का नाम है टीपीए, जो कि 2014 और 15 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद आता है उत्कृष्ट विद्यालय। देखो विद्यार्थियों, कक्षा 9 से लेकर 12 तक आदर्श विद्यालय स्थापित किया गया कि जो आसपास के विद्यालयों में सबसे अच्छा नामांकन और ठहराव होगा, जहां पर सबसे अच्छे उत्कृष्ट बच्चे निकलेंगे उसको एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, उसी का नाम था आदर्श विद्यालय। माध्यमिक स्तर के इन विद्यालय की तर्ज पर ही 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना, कक्षा 1 से लेकर 8 तक उत्कृष्ट विद्यालय और 9 से लेकर 12 तक आदर्श विद्यालय, जो कि एक मॉडल विद्यालय के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद आता है विद्यार्थियों आरटीई अधिनियम। आप सब जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण तभी हो सकता था जब क्या हो, जब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक को उपलब्ध करवाई जाए, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। आरटी अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में भी 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कि निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन मोटिव है वो पूरा हो रहा था। तो सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के तहत ही हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जिसने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की बात कही। उसके बाद आता है विद्यार्थियों कल्प कार्यक्रम 2004 और 5 में प्रारंभ किया गया, और कल्प का मतलब यही था कंप्यूटर की जानकारी हर बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए, और इसी के लिए कल्प कार्यक्रम चलाया गया। कल्प कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए स्कूलों में, ताकि हर विद्यार्थी कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये कार्यक्रम भी आपके सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया गया। उसके बाद है मीना मंच। मीना मंच का मतलब यहाँ पर ये था कि जो स्कूल की बालक और बालिकाएं हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे और जो भी समाज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन पर क्या करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक मीना मंच बनाया जाना चाहिए स्कूल स्तर पर,
ये बात भी कहता है आपका सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद आता है अध्यापिका मंच, वही बात जो मीना मंच में बालक और बालिकाओं के लिए लागू होती है वही बात अध्यापक स्तर पर कुछ अध्यापकों का एक ग्रुप बना करके विद्यालय से संबंधित, समाज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श किया जाना अध्यापिका मंच के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है जागृति। आप सब जानते हो आज हमारे देश में जो कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत स्कूली स्तर पर कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि समाज जागरूक हो सके। तो समाज को जागरूक करने के लिए स्कूली स्तर पर जो अभियान चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चला उसी का नाम है विद्यार्थियों जागृति कार्यक्रम। फिर आता है सक्षम। सक्षम का मतलब ये है कक्षा एक से लेकर आठ तक की जो बालिकाएं हैं उनको शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाना, वो हर तरीके से सक्षम हो, आत्मबल या उनको शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के तहत जो कार्यक्रम चलाया गया विद्यार्थियों उसी का नाम है आपका सक्षम अभियान। उसके बाद आता है पीटीए और एमटीए। अभिभावक अध्यापक मीटिंग का आयोजन स्कूल स्तर पर होना चाहिए और आजकल तो मदर्स मीटिंग भी होने लग गई है, तो ये सब सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियों के अंतर्गत आता है। फिर है विद्यालय सुविधा अनुदान। कक्षा एक से आठ तक के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको हर प्रकार की विद्यालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए जैसे बिजली भी बिजली के बिल का भुगतान करना है, शौचालय की व्यवस्था करनी है या जितने भी अदर खर्चे हैं उन खर्चे के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अनुदान दिया जाना भी सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल है। तो आपने सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में पढ़ा। देखो विद्यार्थियों कार्यक्रम में पहला समावेशी शिक्षा सबको शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आयु के हिसाब से शिक्षा, बाला कार्यक्रम, लहर कार्यक्रम, एनपीजीएल कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इसके अलावा आवासीय विद्यालय जो बनाए गए वो भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए थे विद्यार्थियों। शाला प्रबंधन सूचना तंत्र, शाला सिद्धि कार्यक्रम, टीपीए कार्यक्रम, उत्कृष्ट विद्यालय, ध्यान रखना विद्यार्थियों एक से आठ तक उत्कृष्ट विद्यालय और कक्षा 9 से 12 तक आदर्श विद्यालय बनाए गए जो कि मॉडल के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर के लिए कल्प कार्यक्रम, आरटी अधिनियम जिसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, अध्यापिका मंच बनाए गए, जागृति कार्यक्रम चलाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए स्कूल स्तर पर शारीरिक रूप से सक्षम करने के लिए सक्षम कार्यक्रम चलाया गया। तो अनेक जो कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए गए और सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य अनुपात की बात करें तो प्रारंभ में 90:10 था लेकिन वर्तमान में 60% और 40% जो विभाजन है वित्तीय अनुदान है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 60% और 40% राज्य सरकारों के द्वारा दिया गया, लेकिन आज वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान नहीं चल रहा है विद्यार्थियों। सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर आज हमारे देश में पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसी का नाम है समग्र शिक्षा अभियान समसा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा जिसका मेन मोटिव है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान का मेन नारा है क्या सब पढ़े सब बढ़े। इसकी जो बाकी की चीजें हैं विशेषताएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, बीएड सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं आने वाली है इसमें से एक क्वेश्चन 100% मान करके चलना। तो आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा करें तो मेरे वीडियो को जरूर देखें, मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े जिसमें काफी टीचर्स के वीडियोस आ रहे हैं जो आगामी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो देखते रहिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को विद्यार्थियों, धन्यवाद।